दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऑगस्टन एज के एक बहुत ही फेमस पोएट और क्रिटिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं लंदन। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों ये एक पोएम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, जिन्होंने उनको एज ए राइटर पहचान दिलाई थी उनके करियर की शुरुआत में। दोस्तों इसको आज मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं डिस्कस कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही लंबी पोएम है दोस्तों। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो के अंदर काफ़ी जानकारी ना मिले, लेकिन काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैं इसकी थीम्स को डिस्कस करूँगा, इसकी पूरी समरी डिस्कस करूँगा, इसका बैकग्राउंड बताऊँगा, काफ़ी कुछ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और हो सका तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन भी डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा दोस्तों, काफ़ी पोएम समझ में आ जाएगी, लगभग पूरी पोएम समझ में आ जाएगी। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है दोस्तों। ये शुरू करते हैं दोस्तों। इस पोएम लंदन को लिखा था सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन नियो क्लासिकल एज के एक बहुत ही फेमस सटायरिस्ट, पोएट, प्लेराइट और एसेस्ट थे। दोस्तों इस एज को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, और इस पोएम को इन्होंने तब लिखा था जब इन्होंने लंदन मूव किया था, 1738 में लिखी थी। ये इनका फर्स्ट मेजर वर्क था जो दोस्तों इन्होंने पब्लिश करवाया था। 263 लाइंस में इस पोएम को लिखा गया है, और एक रोमन पार्ट थे जुवेनल, उनके थर्ड सटायर को इन्होंने कॉपी किया है। इस पोएम में इन्होंने एक थेल्स नाम के कैरेक्टर का यूज़ किया है। ये थेल्स नाम का कैरेक्टर लंदन छोड़कर जा रहा है वेल्स में, ठीक है। अब सैमुअल जॉनसन ने जुवेनल को कॉपी किया क्योंकि सबसे पहले तो इनको रोमन पार्ट्स पसंद थे, और दूसरा ये ऑगस्टन एज चल रही थी, ऑगस्टन पार्ट्स का तो ये काम ही था, ये ट्रेंड ही बन चुका था वहाँ पर उस टाइम पर कि क्लासिकल पार्ट्स को कॉपी करना है, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप और दूसरे यंग पार्ट्स ऐसा करते थे। बेनाम नाम से इसको पब्लिश करवाया गया था 1738 में मल्टीपल एडिशंस में, और इस वर्क की क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की थी, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप ने। ये दूसरी बार था जब अलेक्जेंडर पोप ने सैमुअल जॉनसन के वर्क की तारीफ की थी, और पहला वर्क था मसीहा जो सैमुअल जॉनसन ने ट्रांसलेट किया था, अलेक्जेंडर पोप की पोएम को लैटिन में ट्रांसलेट किया था, उस वर्क की तारीफ की थी। दूसरा ये वर्क था, और दूसरा क्या है कि ये पॉलिटिक्स से जुड़ी बहुत जुड़ी हुई थी, तो पोप का तारीफ करना बनता था। और इस पोएम ने सैमुअल जॉनसन की स्किल को दिखाया एज अ राइटर, और आने वाले लिटरेरी करियर को पॉपुलर किया उनके। अब मैं आपको इस पोएम के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जुवेनल के थर्ड सटायर में यम्ब्रिशियस नाम का एक कैरेक्टर होता है जो रोम को छोड़कर जा रहा है क्योंकि उस सिटी में डेंजर है, वो सिटी उसको डेंजरस लग रही है, और यहाँ पर उसी को कॉपी करके सैमुअल जॉनसन ने अपना वर्क लिखा है। लेकिन यहाँ पर यम्ब्रिशियस कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया, इनके वर्जन में थेल्स का यूज़ किया गया। थेल्स नाम का कैरेक्टर है जिसका यूज़ किया गया है जो कैम्ब्रिया जा रहा है। कैम्ब्रिया मतलब वेल्स जा रहा है, लंदन जैसी सिटी, डेंजरस सिटी से बचने के लिए। अब ये पता नहीं कि ये कैरेक्टर थेल्स किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है। पॉसिबिलिटी है कि सैमुअल जॉनसन के एक दोस्त थे, एक फ्रेंड थे रिचर्ड सेवेज, जो कि लंदन से वेल्स चले गए थे, तो उनके लिए यूज़ किया है ये नाम उन्होंने। तो अब मैं इस पोएम की समरी डिस्कस करता हूँ कि आखिर इस पोएम में है क्या। तो इस पोएम में एक स्पीकर है जो कि अपने दोस्त थेल्स का वेट कर रहा है टेम्स रिवर के पास में। टेम्स रिवर हमको पता है लंदन के बीचों बीच बहती है, तो वहाँ पर वो वेट कर रहा है क्योंकि इसका दोस्त थेल्स इस जगह को, लंदन को छोड़कर जा रहा है। इसके दोस्त ने डिसाइड किया है कि वो इस सिटी लंदन को छोड़कर चला जाएगा, और ये अपने दोस्त थेल्स के जाने पर दुखी भी है, लेकिन इस डिसीज़न को ये सपोर्ट भी करता है, ये इसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है। ये दोनों फ्रेंड मिलते हैं और इस सिटी लंदन की तरफ देखते हैं, तो चीज़ें कुछ मोमेंट के लिए एकदम शांत, ये देखते हैं सिटी को, कुछ मोमेंट तक ऐसा ही रहता है। फिर थेल्स बोलता है, वो बताता है कि क्यों उसने इस लंदन सिटी को छोड़ने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों ये जो वजह बताता है यही पोएम है आगे चलकर, क्योंकि ये फील कर रहा है, ये लंदन सिटी को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि ये फील कर रहा है कि ये सिटी और पूरे इंग्लैंड में जो करंट गवर्नमेंट है और इसकी पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से ये करप्ट हो गया है, पूरा इंग्लैंड करप्ट हो चुका है।
लंदन जो कभी नोबल हुआ करता था, बहुत नोबल हुआ करता था, ऐसे किंग्स थे जिनमें बहुत करेज था, जैसे एडवर्ड और हेनरी, जिन्होंने इंग्लैंड के दुश्मनों के अगेंस्ट बहुत सारे ग्रेट मिलिट्री वॉर्स लड़े और उनमें विक्ट्रीज पाई है। इनके अलावा और भी दूसरे इंग्लिश किंग्स थे, जैसे अल्फ्रेड द ग्रेट, जो बहुत ज़्यादा सच्चे, नेक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे। और ऐसे ये ऐसे मोनार्क थे जिन्होंने इस कंट्री की क्रिमिनल रेट्स पर बहुत कंट्रोल रखा, यहाँ तक कि उनको कम भी किया। अल्फ्रेड द ग्रेट के टाइम पर आधे इंग्लैंड में क्रिमिनल्स के लिए सिर्फ एक सिंगल जेल थी। तो इन ओल्ड रूलर्स को वो याद कर रहा है, इनका एग्जाम्पल देकर वो बताना चाह रहा है कि लंदन और पूरा इंग्लैंड किस ग्रेटनेस की हाइट से कहाँ आकर गिर गया है। और आज लंदन क्रिमिनल्स से भरा हुआ है, लोग भूखे हैं यहाँ के, गवर्नमेंट उनका एडवांटेज ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। जैसे पायरेट्स, समुद्री लुटेरे होते हैं, वो इंग्लिश लोगों का शिकार कर रही है पायरेट्स की तरह। और इस देश के लीडर्स अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी लॉटरी चल रही है और गरीबों से वो टैक्स ले रहे हैं। यहाँ की गलियों में घूमना एक एवरेज आदमी के लिए सेफ नहीं है, रेप्स और मर्डर होते रहते हैं। बस लीडर्स को अपने पैसे से प्यार है, उनको नोबल एम्स से कोई मतलब नहीं है जो इनसे पहले के रूलर्स को था। अब बस इन पैसे वालों के हवाले है ये लंडनर्स, मतलब लंदन में रहने वाले वर्किंग क्लास लोग, लेस कैरेक्टर और जिनके पास पैसा है, इन लोगों की सनक के शिकार हो जाते हैं। तो टेल्स को यहाँ पर लग रहा है कि पूरी सिटी बर्बादी की तरफ जा रही है। और ये सब नुकसान का रीज़न क्या है? मिसगाइडेड कल्चर, कल्चर को जिस तरह से मिसगाइड किया गया है, और ज़्यादातर ब्लेम करता है वो इन ग्रीडी इनडिफरेंट गवर्नमेंट के लोगों को, ऑफिशियल्स को, और रोता है कि यहाँ के ऑफिशियल्स कॉन्स्टेंटली बस यही ट्राई कर रहे हैं कि वो बस कैसे ना कैसे अपने खजाने को बढ़ाते रहें, अपने पैसे को कल जितना था आज उससे दो गुना हो, ऐसे बढ़ाते रहें। तो इस टेल्स को ऑनर, विजडम, काइंडनेस वाली लाइफ चाहिए। जो लोग लंदन में रह रहे हैं, ऐसे आदमी से तो एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो इसलिए ये जा रहा है वेल्स शांति वाली लाइफ जीने के लिए। और एंड में ये हमारे स्पीकर से बोलता है कि मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है, बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन टाइम हो चुका है, बहुत हो चुका है, और मेरी बोट भी आ चुकी है। ये बोट के रास्ते जा रहा है, वेल्स नदी के रास्ते जाएगा, मतलब बोट में जाएगा। और ये उम्मीद करता है कि एक टाइम पर इसका फ्रेंड भी लंदन से भाग आएगा। और दोस्तों, ये पोएम लंदन इस सिटी के अगेंस्ट एक सटायर है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ इस पोएम के क्रिटिकल रेस्पॉन्स की, बात करूँ तो खुद सैमुअल जॉनसन ने बाद में अपने करियर में इस वर्क को क्रिटिसाइज किया था, बड़ा हार्शली जज किया था इस वर्क को। उनको ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने इस सिटी के कंट्री साइड की तो तारीफ ही नहीं की, लेकिन इनके कंटेम्प्रेरीज ने बाद के इनके रिव्यू को इतना नहीं माना जितना इस पोएम को माना। लेकिन बाद में जॉनसन की ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम बन गई दोस्तों। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज और ये पोएम लंदन, इनकी दो ग्रेट पोएम्स हैं दोस्तों। इन पोएम्स की स्कॉट और टीएस एलियट ने भी तारीफ की है। और अब मैं बात करता हूँ इस पोएम की थीम्स की। पॉवर्टी और वायलेंस इस पोएम की सबसे पहली थीम है, क्योंकि स्पीकर के हिसाब से लंदन एक डेंजरस जगह है एवरेज लोगों के लिए। यहाँ फुल ऑफ क्राइम और वायलेंस है, कोई भी यहाँ की गलियों में सेफ नहीं घूम सकता। इस पोएम में दो लाइनें हैं, प्रिपेयर फॉर डेथ इफ हियर एट नाइट यू रूम एंड साइन योर विल बिफोर यू सफर फ्रॉम होम। तो ये दो लाइनें ये बताती है कि रेप और मर्डर जैसे क्राइम्स होते रहते थे उस सिटी में उस टाइम पर। दूसरी थीम है करप्शन ऑफ एजुकेशन, बहुत बुरी एजुकेशन की हालत थी। तो थेल्स यहाँ पर बोलता है कि अनरिवार्डेड साइंस टॉयल्स इन वेन। थेल्स बोलता है यहाँ पर हायर लर्निंग्स को यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटीज नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग भी अपनी नॉलेज का यूज़ नहीं करते गरीबों की कंडीशन में सुधार के लिए। और थेल्स के हिसाब से लंदन की प्रॉब्लम्स अब सुधारने लायक नहीं है, अब सिर्फ एक ही रियल सोल्यूशन है, टू मूव अवे, यहाँ से दूर चले जाओ। इवन दो इस पोएम का स्पीकर भी अपने फ्रेंड के इस सिटी को छोड़कर जाने के रीज़न को समझता है, तो थेल्स अब चाहता है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में जाए, इसलिए वो इस सिटी को छोड़कर जा रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।